आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप मेरे बोर्ड में देख रहे होंगे, भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारण। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो राष्ट्रीयता की भावना है, कहीं ना कहीं हम लोग ये जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है वो 1885 से शुरू हुआ, और 1885 में जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होती है वहीं से कोरोना के निश्चित रूप से नेशनल मूवमेंट का फेज चालू होता है। प्रश्न ये उठता है कि भारत में इस राष्ट्रीय चेतना, जो इस राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं, इसके उदय के क्या क्या कारण थे। और पहले तो हम लोग यही शब्द समझ लें कि वास्तव में कोरोना के कहने की बार बार हम लोग राष्ट्र की बात करेंगे, राष्ट्रीयता की बात करेंगे, आखिर कोरोना के ये विचार, ये थॉट, ये भावनाएं आखिर आई कैसे। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के इतिहास को अगर हम पढ़ें तो थोड़ा 1857 में अगर जाते हैं, 1857 में जाते हैं, तो 1857 के विद्रोह को अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि हिंदुस्तान में इस 1857 का जो रिवॉल्यूशन था वो असफल क्यों हो गया। क्योंकि तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जितने भी 1857 के दौरान क्रांतिकारी हैं वो ज्यादातर अपने क्षेत्र विशेष के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात हो, बेगम हजरत महल की बात हो, लखनऊ की लड़ रही है, नाना साहब की बात है, पेंशन की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उस समय अगर पूरी तरह से राष्ट्रीयता की भावना स्थापित हो गई होती तो निश्चित रूप से अगर सब लोगों ने क्षेत्र विशेष की लड़ाई ना लड़के हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी होती तो 1857 के विद्रोह का परिणाम कुछ और होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि चूंकि अंग्रेजों के आने के समय हिंदुस्तान कई खंडों में विभाजित हो चुका है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान पहले कोरोना के कहने की हमेशा खंड में रहा है। मैं भी इसी पर चर्चा करने वाला हूं। मैं राष्ट्रीयता के शब्द की व्याख्या करना चाहता हूं कि आखिर यह राष्ट्रीयता शब्द का जन्म हो कैसे रहा है, और एक राष्ट्र के लिए आवश्यक एलिमेंट, आवश्यक तत्व तो है क्या, एक राष्ट्र की भावना लोगों में आखिर किन किन तत्वों के कारण स्थापित हो सकती है, पहले तो हम इस बात को समझें। एक राष्ट्र की स्थापना के लिए निश्चित रूप से एक भौगोलिक सीमा का होना जरूरी है। जिस प्रकार से आज हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की एक भौगोलिक सीमा है, और वहां के लोगों के मन में जो लोग हैं, जिस समुदाय के लोग हैं, उनमें एक भावना है जिसे हम की भावना कहते हैं। तो निश्चित रूप से एक राष्ट्र की स्थापना के लिए भौगोलिक सीमा का निर्धारण होना अत्यंत आवश्यक है। उस भौगोलिक सीमा के आधार पर उस क्षेत्र के, उस देश के लोग अपने एक हम की भावना, एक जुड़ाव की भावना स्थापित होती है। और दूसरी बात कोरोना के कहीं कहीं भौगोलिक सीमा के साथ साथ एक राजनीतिक एकता भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। उस राष्ट्र की या उस राष्ट्रता की भावना के लिए राजनीतिक एकता, यानी कि एक ऐसा कंट्रोलर हो जो पूरे कोरोना के कहीं कहीं क्षेत्र को चला रहा हो, तो राजनीतिक एकता भी होनी चाहिए, सामाजिक एकता भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, धार्मिक एकता भी होनी चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है, और सांस्कृतिक एकता भी होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में वर्तमान में राष्ट्रीयता की अगर भावना को देखें तो भारत में राजनीतिक एकता भी है, सामाजिक एकता भी है, धार्मिक एकता भी है, सांस्कृतिक एकता भी है। यानी किसी भी राष्ट्र के निर्धारण के लिए भौगोलिक सीमाओं के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकताओं का होना बहुत ही जरूरी है। यदि इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहता हूं तो निश्चित रूप से अगर इस बात को हम लोग लेकर चलें तो निश्चित रूप से उस भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोगों की विचारधारा एक होनी चाहिए, उनकी सोच एक होनी चाहिए। विचारधारा के साथ साथ अगर हम बात करें तो विचारधारा एक होनी चाहिए, सोच उनकी एक होनी चाहिए, भावनाएं उनकी एक होनी चाहिए। यानी नाना प्रकार की चीजों में जब तक एका की भावना, एकता की भावना स्थापित नहीं होगी तब तक हम नहीं होगा, और हम की भावना स्थापित नहीं होगी तब तक राष्ट्रीयता की भावना स्थापित नहीं होगी। तो मैंने अभी कहा कि उनकी विचारधारा एक हो, उनकी सोच एक हो, उनकी भावनाएं एक हो, और क्या उनकी एकता होनी चाहिए। मैंने अभी कहा कि सांस्कृतिक एकता एक होनी चाहिए, साथ में उनका साझा इतिहास भी होना चाहिए। इस प्रकार से उनका जो इतिहास है वो कोरोना के साझा नहीं, आपस में एक हो। आज हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का इतिहास एक है, पूर्वज एक हैं। हम कहते हैं कि हम सब लोग राम, कृष्ण और बुद्ध की संतानें हैं, तो ये क्या है, हमारा कहीं ना कहीं अतीत एक है, हमारा इतिहास साझा है,
और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदर्श भी एक होने चाहिए। जो हमारे आदर्श हैं हिंदुस्तान में, हर व्यक्ति को ना के भगवान को, ना के भगवान राम को, ना के अपना आदर्श मानता है, कृष्ण को अपना आदर्श मानता है, बुद्ध को अपना आदर्श मानता है, महावीर को अपना आदर्श मानता है, गुरु नानक को अपना आदर्श मानता है, कबीर को अपना आदर्श मानता है, तो ये क्या है भैया? ये आपस में जोड़ने की भावनाएं हैं। मैंने अभी कहा कि आपकी विचारधारा एक हो, आपकी सोच एक हो, आपकी भावनाएं एक हो, आपका इतिहास साझा हो, आपके आदर्श एक हो, आपके राजनीतिक एकता एक हो, सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक एकता एक हो। जो सांस्कृतिक एकता का मतलब है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत से लोग बड़े पैमाने पर एक ही त्योहारों को मनाते हैं। यदि हिमालय के लोग दीपावली मनाते हैं तो कन्याकुमारी के लोग भी दीपावली मनाते हैं। तो ये सब चीजें हिंदुस्तान के लोगों को आपस में बांधती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक राष्ट्र की स्थापना के लिए निश्चित रूप से, क्योंकि मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारण, और निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय चेतना में राष्ट्रता की भावना को जन्म देने वाले वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे उन पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैंने अभी बताया कि किसी भी राष्ट्र के निर्धारण के लिए एक भौगोलिक सीमा का होना अत्यंत आवश्यक है, उस देश में राजनीतिक एकता का होना अत्यंत आवश्यक है, सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का होना अत्यंत आवश्यक है, उनकी सोच और विचारधारा का एक होना आवश्यक है, उनकी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आदर्श जो उनके आइकॉन है उनका एक होना आवश्यक है, इनका साझा इतिहास होना चाहिए। ये सब चीजें कहीं ना कहीं लोगों को आपस में जोड़ती हैं, और इसी एकता की भावना के कारण हिंदुस्तान में राष्ट्रता की भावना का विकास हुआ। यदि एक चीज और भारत के संदर्भ में मैं बात करूं तो भारत में अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, आप लोग जानते हो, तो अंग्रेजों के अत्याचार के कारण या उस उपनिवेशवादी भावना के कारण, जो अंग्रेज आए जब इन्होंने हिंदुस्तान में उपनिवेश की स्थापना की, तो उस उपनिवेशवादी भावना या उपनिवेशवादी अत्याचार के प्रति जो लोगों में क्रोध था, एक आक्रोश था, उसके कारण भी लोग जुड़े। यानी भारत के संदर्भ में अगर हम राष्ट्रीयता की बात करें तो उपनिवेशवादी शासकों के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश ने भी भारत के लोगों को आपस में एक किया। ये एक अलग चीज है भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देने के लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये वो एलिमेंट है जो किसी राष्ट्र का निर्धारण करने में या लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देने में एक बहुत बड़े कारक के रूप में या बहुत बड़े तत्व के रूप में आवश्यक है। लेकिन थोड़ा सा मैं इस विषय को लेकर यहां एक बात करना चाहता हूं। पहले तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आज हिमालय को तकलीफ होती है तो कन्याकुमारी को दर्द महसूस होता है, और कन्याकुमारी को दर्द तकलीफ होती है तो हिमालय को एहसास होता है। हमने जम्मू कश्मीर को कभी नहीं देखा, लेकिन हम चिल्ला कर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की एक इंच जमीन भी हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। यही तो राष्ट्रीयता है यार, इससे बड़ी राष्ट्रीयता भारत में क्या हो सकती है, दुनिया में क्या हो सकती है। तो मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयता के उदय के कारण, पहला कुलना के अगर यहां पर अगर बात करें तो हम राजनीतिक कारण की बात करते हैं कि भारत में इस राष्ट्रीय चेतना के उदय का बहुत बड़ा कारण है राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण हम कैसे जोड़ सकते हैं थोड़ा सी इस बात को समय, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में भारत बड़े लंबे समय तक भारत में राजनीतिक एकता भी स्थापित हुई है और प्रशासनिक एकता भी स्थापित हुई है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, भारत राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक हुआ, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजनीतिक कारणों की बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल में पहली बार भारत बहुत बड़े लेवल पर और बहुत लंबे समय तक राजनीतिक दृष्टि से भी एक हुआ और प्रशासनिक दृष्टि से भी एक हुआ। आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर क्या इससे पहले हिंदुस्तान एक नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। मैं आप लोगों की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा इस विषय को लेकर अगर बात करूं तो मौर्य डायनेस्टी की बात करता हूं, तो मौर्यों के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पाटलिपुत्र से हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी सत्ता को स्थापित किया था, और कुल ना के मौर्यों की सीमा रेखा तो हिंदू कुश पर्वत को टच कर गई थी, अफगानिस्तान तक पहुंच गई थी। मौर्यों ने तो अंग्रेजों से भी बड़ा एम्पायर खड़ा किया, नो डाउट। यहां तक कि विंसेंट स्मिथ तो यह कहता है कि मौर्यों ने उस सीमा रेखा को प्राप्त किया जिसे मुगल तो दूर अंग्रेज भी प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन मेरा यह कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यों की जो कुलना के कहने के निश्चित रूप से साम्राज्य था वो बहुत लंबा था, और पाटलिपुत्र से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में कुलना के पूरे हिंदुस्तान में फरमान जारी होते थे। हिंदुस्तान के लोग कहीं ना कहीं आपस में एक की भावना, एका की भावना स्थापित हो गई, क्योंकि चाणक्य के अखंड भारत की परिकल्पना को इस समय साकार किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह राजनीतिक एकता बहुत लंबे समय तक भारत में स्थापित नहीं रह पाई।
जैसे ही मौर्य कमजोर हुए अंततः भारत को उनके फिर टुकड़ों में बट गया। फिर गुप्त लोग हिंदुस्तान में आते हैं और गुप्तों ने भी पाटलिपुत्र पर शासन किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही गुप्त कमजोर हुए तो पुनः भारत कमजोर हो जाता है और पुनः भारत कई टुकड़ों में बट जाता है। उसके बाद मुगल भी हिंदुस्तान में आते हैं और मुगलों के समय में मैं कह सकता हूं अकबर और औरंगजेब ने हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। लेकिन भाई साहब आप जानते हैं कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के साथ ही अंततः भारत कई खंड में कई टुकड़ों में बट जाता है। कहीं हैदराबाद का निजाम अलग हो गया, कहीं अवध अलग हो गया, कहीं बंगाल अलग हो गया, कहीं पंजाब अलग हो गया, कहीं मैसूर अलग हो गया। तो इस प्रकार से कुल मिला के भारत में राजनीतिक एकता पहले भी स्थापित हो चुकी है, लेकिन वह बहुत लंबे समय तक नहीं रही। तो आप कहेंगे सर फिर अंग्रेजों के शासनकाल में क्या हुआ? ब्रिटिश शासनकाल की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों के शासनकाल में अगर हम देखें तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत बहुत लंबे समय तक कुलना के राजनीतिक एकता या राजनीतिक एकता की छत्र छाया में रहा। क्योंकि प्लासी के युद्ध के पश्चात अगर देखा जाए तो कहीं अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को धीरे धीरे किया, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर पूरी तरह से पकड़ बनाई और 1818 के पश्चात पूरी तरह से हिंदुस्तान पर उनका एक तरह से कब्जा हो चुका है। मैं कह सकता हूं 1947 तक अंततः भारत में अंग्रेजों ने कुल मिलाकर राजनीतिक और प्रशासनिक एकता की भावना स्थापित की। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राजनीतिक एकता भी स्थापित की और प्रशासनिक एकता भी स्थापित की। क्यों स्थापित की? क्योंकि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप मानो अंग्रेजों का सेंटर क्या है? कलकत्ता है, और कलकत्ता से कुल मिला के कहीं पूरे हिंदुस्तान में जो फरमान जा रहा है, कलकत्ता से सभी आईसीएस अधिकारी पूरे हिंदुस्तान में कहीं फैलाए जा रहे हैं। यानी कलकत्ता जो डिसीजन लेगा उसे पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा। आपको ये नहीं कह सकता कि हम अवध के हैं, हम हैदराबाद के हैं, हम मैसूर के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम ग्वालियर के हैं। नहीं, कलकत्ता अंग्रेजों का जो फरमान होगा, गवर्नर जनरल का फरमान होगा, वो पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा। और इसीलिए जब पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं कलकत्ता से कंट्रोल होने लगा तो हिंदुस्तान के लोगों के मन में एक राजनीतिक एकता की भावना स्थापित हुई और इसी एकता ने भारत में राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। मैंने भी कहा कि किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रता की भावना के लिए निश्चित रूप से राजनीतिक एकता होना आवश्यक है और ब्रिटिश शासनकाल में बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को एक किया है, इसीलिए हमारे अंदर एक राष्ट्रता की भावना का जन्म हुआ। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने पहला कारण पढ़ा कि राजनीतिक एकता स्थापित हुई। दूसरा कारण अगर हम पढ़ ले कि राजनीतिक एकता स्थापित होने के कारण दूसरा क्या कारण है, तो दूसरा कारण अंग्रेजों का आर्थिक शोषण भी है। क्योंकि अंग्रेज, आपको मालूम होना चाहिए कि यहां हिंदुस्तान में राज स्थापित करके आपके लिए जन कल्याण का काम करने तो आए नहीं थे। मैं मॉडर्न इंडिया पूरा पढ़ाऊंगा, वो तो व्यापारी हैं, वो आपको लूटने के लिए आ रहे हैं। तो कुलना के कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण की नीति भी अंततः कुलना के हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का उद्भव का एक बहुत बड़ा कारण है। आप खुद सोचिए, किसी भी समाज को अगर मैं बहुत लंबे समय तक उसका शोषण करूंगा तो आज नहीं कल वह समाज आपस में एक होगा। किसके खिलाफ होगा? मेरे खिलाफ होगा। वही चीज तो यहां पर है कि 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान में अंग्रेज कर क्या रहे हैं? आपका आर्थिक शोषण कर रहे हैं, आपकी कुलना के धन का निष्क्रमण, यानी कि कुलना के ड्रेन ऑफ वेल्थ, आपके धन को लूट कर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। जॉन सुलिवान कह रहा है मेरे पास एक ऐसा स्पंज है जो गंगा के तट से सभी अच्छी चीजों को सोखता है और थेम्स के तट पर ले जाकर निचोड़ देता है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपका आर्थिक शोषण इस 190 वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस धन निष्क्रमण के सिद्धांत को जब उजागर किया, अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति के कारण जब हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का कहीं के शिल्पकार, दस्तकार जब गरीबी और बदहाली में चले गए, मरने के कगार पर चले गए, हिंदुस्तान की एक तिहाई जनता जो है भूख से मर जाती है, तब हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण अंततः हमको एक होना पड़ेगा। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति से हिंदुस्तान का जो कॉमन मैन है उसमें एक नफरत की भावना पैदा हुई और अंततः उसको लगा कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा कुलना के समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि यदि अंग्रेजों के शोषण से हमको मुक्त होना है तो हमें एक होना पड़ेगा और इसी एका की भावना ने भारत में राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया।
यानी अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति का भी एक बहुत बड़ा परिणाम है कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय भावनाओं का जन्म होता है और हिंदुस्तान के लोग आपस में एक होते हैं। क्लियर, ये दूसरा कारण है। अगर तीसरा हम बात अगर बात करते हैं तो तीसरी बात अगर यहां पर देखी जाती है और बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण क्या है जरा समझें, तो कोरोना के पाश्चात्य विचारधारा या पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि मार्च 1835 में मैकाले कमीशन के आधार पर हिंदुस्तान में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में आपको अंग्रेजी पढ़ा के क्या आपको आईसीएस बनाया जाएगा? अरे भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का एम्पायर खड़ा हो चुका है, इसीलिए अंग्रेजों को कोरोना के प्रशासनिक काम चलाने के लिए क्लर्क चाहिए और इसीलिए वो अंग्रेजी आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप क्लर्क बने, उनकी सेवा करें। और दूसरा क्या है, वो हिंदुस्तान में काले और भूरे रंग के अंग्रेज पैदा करना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं शरीर से और देखने में तो भारतीय हो लेकिन जिसकी सोच और विचारधारा अंग्रेजियत की हो जाए, जिससे जीवन पर्यंत आप उस अंग्रेजी राज्य का समर्थन करते रहें। अंग्रेजों ने इसीलिए आपको अंग्रेजी पढ़ाई, इसीलिए मैकाले शिक्षा आई। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जैसा अंग्रेज सोचेंगे वैसा थोड़ी हो पाएगा। जब कोरोना के बहुत से लोग पाश्चात्य विचारधारा और पाश्चात्य शिक्षा से जुड़े तो उन्होंने बहुत से विदेशी फिलोसफर्स को पढ़ा, उन्होंने रूसो को पढ़ा, उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा, वोल्टेयर को पढ़ा, दुनिया के दूसरे देशों में गए, वहां स्वतंत्रता की भावना देखी, वहां समानता की भावना को देखा। और तब वही लोग जब हिंदुस्तान में आए, कौन से लोग, वही पाश्चात्य विचारधारा से जुड़े हुए लोग, तो उनको भी लगा कि हिंदुस्तान में समानता होनी चाहिए, हिंदुस्तान में स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी वही बुद्धिजीवी अंततः हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करेगा, वही बुद्धिजीवी अंग्रेजों की कोरोना के नीतियों का विरोध करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त उस बुद्धिजीवी वर्ग ने ही हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया है, क्योंकि रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ चुका है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है क्या कि मनुष्य के भी कुछ मौलिक अधिकार होना चाहिए, मनुष्य के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। इसलिए बुद्धिजीवियों ने कहा कि हमें भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए, आप शासन करिए ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को भी कुछ अधिकार मिले। इस प्रकार से इस पाश्चात्य विचारधारा प्राप्त या पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों ने भी हिंदुस्तान के लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया और इसी एकाकी भावना ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के उद्भव में बहुत बड़ा योगदान दिया। यदि यहीं पर अगर मैं एक और चीज चौथा पॉइंट लूं तो समाचार पत्रों का बहुत बड़ा योगदान भी है। और समाचार पत्रों की बात करें तो ये समाचार पत्र निकाल कौन रहा है? यही तो बुद्धिजीवी निकाल रहा है, जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपनी बातों को कलम के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हिंदुस्तान के आम जनता में पहुंचा रहा है। क्योंकि भारत के इन बुद्धिजीवियों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी समस्याओं को जनता तक पहुंचाया, अंग्रेजों की नीतियों की बड़े पैमाने पर आलोचना की। इस इन समाचार पत्रों के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि बाप रे बाप, अंग्रेज तो हमारी बड़ी बड़े बेरहमी के साथ हमारा शोषण कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 1876 में कोरोना के बंगाल में भयानक अकाल पड़ा हुआ है और लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार कर रहा था, लाखों रुपया दिल्ली में बाहर आता जबकि उसको पैसा खर्च करना चाहिए, अकाल पर अकाल में लाखों लोग मर गए। तब इन्हीं बुद्धिजीवियों में से एक बुद्धिजीवी थे कोरोना के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने समाचार पत्र सोम प्रकाश के माध्यम से अंततः कोरोना के लिटन के कोरोना के दिल्ली दरबार की आलोचना की। यहां तक लिख दिया कि रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, इटली का एक शासक था नीरो। और अंततः आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि वास्तव में बात सही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के समाचार पत्रों ने हिंदुस्तान के लोगों को जगाया कि आप लोग खड़े हो जाइए, आप लोग एक हो जाइए, जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए समाचार पत्रों ने भी हिंदुस्तान के लोगों को जगाकर उनको आपस में एक किया और इसी एकता की भावना ने भारत में राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। इसी प्रकार से अगर मैं थोड़ा सा पांचवें पॉइंट पर यहां जाना चाहता हूं तो इसमें बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय साहित्य भी बन रहे हैं, राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय साहित्य का भी निर्माण हुआ। यदि समाचार पत्रों में देखें तो राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक कह दिया गया, उन्होंने बंगाली में संवाद कौमुदी निकाल दिया, फारसी में मिरातुल अखबार निकाल दिया, इंग्लिश में ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाल दिया। इस प्रकार से वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय साहित्य भी इसमें बन रहा है। और आपने सुना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम,
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी हिंदी भाषा के माध्यम से भारत दुर्दशा लिखकर इस भारत की दुर्दशा के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदुस्तान के लोगों को जगा रहे हैं भारत दुर्दशा के माध्यम से, तमिलनाडु में सुब्रमण्यम स्वामी कुलमा के तमिल लोगों को जगा रहे हैं, तो इस प्रकार से बंकिमचंद चट्टोपाध्याय आनंद मठ लिख रहे हैं और आनंद मठ में लिख क्या रहे हैं, सन्यासी विद्रोह की प्रशंसा कर रहे हैं। ये वही सन्यासी विद्रोह है जो अंग्रेजों की बड़े पैमाने पर कुलनाके करने की सशस्त्र क्रांति हम कह सकते हैं सन्यासियों का हुआ बंगाल के अंदर। इन सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र बगावत की है जिसकी प्रशंसा जो है बंकिमचंद चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ में किया है। तो इस प्रकार के जब साहित्य का निर्माण इस समय हो रहा है तो राष्ट्रीय साहित्य को पढ़ने के बाद लोगों को लगा कि यार वास्तव में अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहे हैं और इसलिए हमको एक होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है चाहे पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव हो, चाहे समाचार पत्रों का योगदान हो, चाहे राष्ट्रीय साहित्य हो, इन सबने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय में बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्लियर? और आगे आ जाइए। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम लोग और बात करें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और थोड़ा सा हम लोग अगर इस विषय को लेकर बात करें तो छठवां जो पॉइंट है वो बहुत और भी इंपॉर्टेंट है। और छठवां पॉइंट आप कहेंगे सर क्या इंपॉर्टेंट है, तो आवागमन की सुविधा। आप जरा समझिएगा आवागमन की सुविधा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आवागमन की सुविधा किस तरह से है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि आवागमन की सुविधा की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस विषय को लेकर अगर बात करें बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है कि आवागमन की व्यवस्था कैसे हो रही। यदि 16 अप्रैल 1853 की बात हम चले जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कोरोना के ट्रेनों का विकास हो रहा है। सोलह अप्रैल 1853 को भारत के अंदर पहली रेल बॉम्बे से थाने के बीच में चली, आखिर हिंदुस्तान में 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चली, आखिर हिंदुस्तान में ट्रेनें चलाने का उद्देश्य क्या है, रेलवे के विकास का उद्देश्य क्या है। अरे भाई साहब आपका आर्थिक शोषण बड़े पैमाने पर करना है क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है तो उनको कच्चा माल चाहिए और कच्चे माल को पहुंचाने के लिए और वहां के बने हुए माल को हिंदुस्तान के अंदर तक पहुंचाने के लिए रेलवे का विकास किया गया। यानी कि आवागमन की सुविधाओं का यानी रेलवे का विकास भारत के आर्थिक शोषण का एक नया इतिहास लिखने जा रहा है यार। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आवागमन की सुविधाएं हमारे और आपकी सुविधा के लिए तो बाद की बात है। पहले कोरोना के कच्चा माल यहां से बंदरगाहों तक पहुंचेगा, बंदरगाहों से कोरोना के पानी के जहाजों से इंग्लैंड जाएगा, वहां से बना हुआ माल फिर बंदरगाहों पर आएगा और इन्हीं रेलवे ट्रैक के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर के क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। यानी आपके आर्थिक शोषण को और अधिक बढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि रेलवे का विकास भले आप लोग कच्चे माल का या आर्थिक शोषण के लिए कर रहे हो लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोग भी देर सवेरे इन ट्रेनों के तृतीय श्रेणी के डिब्बे में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे। भारतीयों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठने का राइट्स नहीं है लेकिन हम तृतीय श्रेणी के डिब्बे में बैठ तो सकते थे। उस समय चूंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, आपके पास पाकिस्तान भी था, आपके पास बांग्लादेश भी था, आपके पास म्यांमार भी था, तो चूंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है इसीलिए समान विचारधारा के लोग आपस में जुड़ नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही आवागमन की सुविधा हुई, रेलवे का विकास हुआ, ट्रेनें चली, तो इस तरह से क्या होता है कि उत्तर का व्यक्ति दक्षिण से और पूरब का व्यक्ति पश्चिम से मिलना शुरू हो गया। इन ट्रेनों की तृतीय श्रेणी के डिब्बे में बैठकर लोग आपस में मिलने लगे, समान विचारधारा के लोग मिलने लगे और जब सब लोग आपस में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के मिलने लगे तो विचारों का आदान प्रदान होता है और विचारों का आदान प्रदान हुआ तो समान विचारधारा के लोग एक मंच पर आए और एक मंच पर आने के पश्चात उन्होंने एक संगठन बनाया। इस तरह से आवागमन की सुविधा ने हिंदुस्तान के लोगों को आपस में जोड़ा और इसी जुड़ाव ने हिंदुस्तान में राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दी। कार्ल मार्क्स तो यहां तक कह चुका है साम्यवाद का जनक कि रेलवे भारत में राष्ट्रीयता को जन्म देने में बहुत बड़ा कारण बनेगी। एडिसन ने तो यहां तक कह दिया कि रेलवे भारत में वो काम कर देगी जो बड़े बड़े सम्राट भी नहीं कर पाएंगे और बात सही भी है। बड़े बड़े सम्राट क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं और रेलवे ने भी भारत के लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़कर भारत के लोगों में एका की भावना को स्थापित कर दिया और इसी एका की भावना ने भारत में राष्ट्रीय की चेतना के उद्भव में बहुत बड़ा योगदान दिया।
तो निश्चित रूप से आवागमन की सुविधाओं का भी हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा योगदान है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यदि थोड़ा सा हम लोग और अगर बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम एक और जगह बात करें तो एक और बात है कि धर्म सुधार आंदोलन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार ये बात। मैं इस टॉपिक को अलग से पढ़ाऊंगा, विवेकानंद को आगे पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये लोग जो है 10, 20, 25, 50 मिनट की क्लास में बंधने वाले लोग नहीं यार। विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती यार देवदूत हैं, इनको मैं कैसे बांध सकता हूं, इनके लिए मैं अलग टॉपिक लेकर आऊंगा। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन का भी भारत की इस राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत जब 190 सालों तक कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो हमारे अंदर निराशा का भाव आ गया और हमारे अंदर यह थॉट आने लगे कि लगता है हमारा धर्म, हमारा दर्शन गुरु नाके खराब है, तभी तो दुनिया के लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। लेकिन इसी समय क्या हुआ, इसी समय राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ और उसने कहा कि हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो हमारे वेदांत में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग हुए जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भारत भारतीयों के लिए है, जिन्होंने यहां तक कहा कि आर्य श्रेष्ठ प्रजाति है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है और भारत भूमि विशिष्ट भूमि है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को यह तक कहा कि कोरोना के सबसे पहले हिंदुस्तान के इतिहास में स्वराज की बात करने वाला कोई है तो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वदेशी की बात करने वाला कोई है तो दयानंद सरस्वती है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी की वकालत करने वाला कोई है तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो भारत के लोगों को जोड़ने के लिए यहां तक कह दिया कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य भी बुरे से बुरे देशी राज्य से कुर्बान के। ध्यान रखिए कितनी बड़ी बात कह गई कि बुरे से बुरा देशी राज्य, यानी हमारी व्यवस्था भले खराब हो हम ठीक कर लेंगे, यानी बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा है। हमारी व्यवस्था अगर खराब है तो निश्चित रूप से उसको हम अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार का कुर्बान के भारत के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत बड़ा काम किया है। इसी समय स्वामी विवेकानंद का इतिहास आपको मालूम होना चाहिए। 11 सितंबर 1893 को शिकागो सम्मेलन में जब हिंदुस्तान का एक व्यक्ति जाकर धारता है और हिंदुस्तान का क्या, हिंदुस्तान तो छोड़िए पूरी दुनिया उसके भाषणों की कायल हो जाती है, उसकी मुरीद बन जाती है, पूरे न्यूयॉर्क में कहा जाता है कि ये तो साइक्लोनिक हिंदू है जो पूरी दुनिया में तूफान मचा देगा। तो जब विवेकानंद ने जाकर शिकागो सम्मेलन में हमारी धर्म और संस्कृति को ऊंचाइयों तक पहुंचाया तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास की भावना जगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम बिना आत्मविश्वास के हो नहीं सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूं कि कुछ ऐसा दुनिया में आए हो तो करके चले जाओ यार, कि दुनिया तुम्हारा अनुकरण करे, दुनिया तुम्हारे रास्ते पर चले, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहां तो जिंदगी सभी जी लेते हैं मगर जिंदगी जीव की दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग जब कहीं ना कहीं दुनिया में दहाड़ते हैं और हमारी धर्म और संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास की भावना जागी। इसी प्रकार से कुछ विदेशी लोग भी आकर भारत के कोरोना के धर्म और संस्कृति के कायल हो गए। इसमें मैक्स मुलर की बात कर सकते हैं, इसमें विल्किंस की बात कर सकते हैं, इसमें सर विलियम जोन्स की बात कर सकते हैं जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर रहा है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात मैं एनी बेसेंट की बात कर सकता हूं यार। एनी बेसेंट 1893 में हिंदुस्तान आती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती है और आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने कहीं और नहीं काशी में गंगा के तट पर जाकर साधना की, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, वेदांत का अध्ययन किया और जाकर अपने उपदेशों में प्रवचनों में भारत के लोगों को कहा करती थी कि आपका धर्म आपकी संस्कृति दुनिया में श्रेष्ठ है, आपके धर्म और संस्कृति तक पश्चिम को पहुंचने में बहुत अधिक समय लगेगा। जब एक विदेशी महिला आकर हमारे धर्म और संस्कृति की प्रशंसा करती थी, उसकी कुर्ना के कहने की मुरीद हो गई, उसने हमारे धर्म और संस्कृति को स्वीकार कर लिया तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास की भावना जगी। मैं कह सकता हूं कि चाहे स्वामी विवेकानंद के रूप में हो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में हो, चाहे मैक्स मुलर के रूप में हो, चाहे विल्किंस के रूप में हो, चाहे एनी बेसेंट के रूप में हो, जब इन लोगों ने हमारे धर्म और संस्कृति को दुनिया में फैलाया और उसको श्रेष्ठ बताया तो हमारे अंदर भी एक आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। और मैं कह सकता हूं इस राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में धर्म सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूं कि दुनिया में जिन लोगों ने इतिहास लिखा है उन्होंने अपने विश्वास की कलम से इतिहास लिखा है, अपने संघर्ष की कलम से इतिहास लिखा है, क्योंकि इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी,
राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार से इस धर्म सुधार आंदोलन का भी इस राष्ट्रीय चेतना में और इस राष्ट्रीयता के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। यहां एक और व्यक्ति की बात कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति भी, अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति भी को ना के कहीं के निश्चित रूप से इस राष्ट्रीयता के उत्पन्न में बहुत। अब भेदभावपूर्ण नीति क्या है, अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो भारतीयों से प्रजाति आधार पर घृणा करते हैं, कार्नवालिस आया तो पदों का यूरोपीयकरण कर दिया, यानी उच्च पदों पर भारतीय नहीं जाएंगे, हमको बेईमान कहा जाता है, हमको लालची कहा जाता है, हमको अपमानित किया जाता है, हर जगह हमारे साथ भेदभाव होता है, हम किसी भी बड़ी सर्विस में जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते हैं, न्यायालय के अंदर जो है जल्द छोटी सी गलती करेंगे तो हमको बड़ी लंबी सजा दी जाती है और अंग्रेजों को कोई सजा ही नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आते हैं तो भारतीयों के साथ जब बड़े पैमाने पर उन्होंने भेदभाव किया, हमारा हर तरह से शोषण किया, हमको कहीं आगे बढ़ने का मौका उस शासन में नहीं मिला, तब इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण भारत के लोगों के मन में एक विचार आया कि अंग्रेज जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। और अंग्रेजों की इसी भेदभावपूर्ण नीति का परिणाम है, आपको मालूम होना चाहिए कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर इन पब्लिक प्लेसेस पर लिखा होता था कि भारतीयों का कुत्तों का प्रवेश वर्जित है, हमारी तुलना कुत्तों से की जाती थी, हम किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ना भी चाहते तो सबसे पीछे बिठा ले जाते थे। इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण भारत के लोगों के अंदर एक उनके कह सकते हैं कि स्वाभिमान को चोट पहुंचा करती थी, उनको आत्मग्लानी हुआ करती थी, और अंततः इस भेदभावपूर्ण नीति का ही परिणाम है कि भारत के लोगों को लगा कि अगर अंग्रेज हिंदुस्तान में रहेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, और अंततः हिंदुस्तान के लोगों ने इसी विचारधारा के कारण आपस में एक हुए और इसी एकता ने भारत में राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। तो भेदभावपूर्ण नीति का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर थोड़ा सा हम लोग और आगे बात करें तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति की बात में आना चाहता हूं मैं, हालांकि एक अलग से वीडियो में इसका बना चुका हूं, लिटन की नीतियां। तो लिटन की नीतियां क्या थी, क्योंकि हिंदुस्तान में जब लिटन आया था, मैंने आपको बताया भी था कि लिटन आया था तो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक का काम किया। मैंने अभी कहा लिटन का वीडियो अलग से देख लीजिएगा, लिटन जब आता है तो क्या करता है कि बंगाल में अकाल पड़ा है और दिल्ली दरबार कर रहा है, एस आराम कर रहा है, महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि के लिए लाखों रुपया पैसा की तरह बर्बाद कर रहा है। इससे हिंदुस्तान का व्यक्ति नाराज हुआ, भारत के समाचार पत्रों ने जब इसका विरोध किया तो उसने भारतीय समाचार पत्रों को ही बंद कर दिया और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया। हिंदुस्तान का जब बुद्धिजीवी आईसीएस में आने लगा तो उसने आईसीएस की आयु सीमा 19 वर्ष कर दी, शस्त्र कानून उसे लाकर तो ना के हमें शस्त्र लेने का अधिकार खत्म कर दिया। इस प्रकार से लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति जो भारतीयों के ऊपर कहने के निश्चित रूप से पड़ रही थी, उसके कारण से लिटन की नीतियों के कारण या उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण हिंदुस्तान के लोगों के अंदर एक आक्रोश है, एक कहीं ना कहीं असंतोष है, एक गुस्सा है, और इसी असंतोष ने अंततः कुलना के भारत के लोगों को एक किया और इसी एका ने राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। यदि मैं एक जगह और आना चाहता हूं तो लॉर्ड रिपन के समय में आपको मालूम होना चाहिए, अगर लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन के समय में एक विवाद है, उस विवाद पर मैं जाना चाहता हूं, इसका नाम है एल्बर्ट बिल विवाद। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन के समय में एक बड़ा इंपॉर्टेंट विवाद है, एल्बर्ट बिल विवाद। अब ये एल्बर्ट बिल विवाद क्या है ये जरा समझिए, एल्बर्ट बिल विवाद इसमें क्या होता है कि लॉर्ड रिपन जब आए तो लॉर्ड रिपन ने यह देखा कि जो अंग्रेज जज हैं वो तो भारतीयों के भी मुकदमे सुनते हैं और अंग्रेजों के भी मुकदमे सुनते हैं, लेकिन जो भारतीय जज है वो सिर्फ और सिर्फ कुलना के भारतीयों के मुकदमे सुन सकता है, अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकता है। आप देखिए कितना बड़ा प्रजातीय भेदभाव है। यानी इसी तरह से जिला जज के पद पर अंग्रेज बैठा है तो वो दोनों लोगों के मुकदमे सुनेगा, लेकिन उसी जिला जज के पद पर अगर भारतीय जज बैठा है तो वो अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुनेगा। रिपन ने जैसे इस घटना को देखा, रिपन ने तत्काल कुलना के कहने के निश्चित रूप से रिपन ने तत्काल क्या कहा अपने विधि विशेषज्ञ सीपी इल्बर्ट से, और सीपी इल्बर्ट से कहा कि इस व्यवस्था को ठीक करो, ये गलत बात है, प्रजाति आधार पर भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी भारतीय जजों को भी वही अधिकार दो जो अंग्रेज जजों को मिल रहा है, भारतीय जजों को भी अंग्रेज जजों के समान अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार से एल्बर्ट जो उनका विधि विशेषज्ञ था वो बिल लेकर आते हैं जिसको एल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही एल्बर्ट बिल आता है जिसमें भारतीय जजों को भी अंग्रेज जजों के समान जब अधिकार मिल जाता है तो हिंदुस्तान का अंग्रेज पूरी तरह से इस बिल के खिलाफ हो गया,
हिंदुस्तान के कोरोना के अंग्रेज तो छोड़िए महाराज, विदेशी जितने भी अंग्रेज इंग्लैंड के थे वो सब लोग एक हो गए और उन्होंने कहा कि ये मूर्ति पूजक लोग, ये काले लोग, ये गुलाम लोग अगर हमारा मुकदमा सुनते हैं तो इससे तो अच्छा है कि ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लैंड से लेकर भारत तक के जितने भी अंग्रेज हैं उन्होंने कुलना के इस इल्बर्ट बिल का विरोध करने के लिए डिफेंस एसोसिएशन बना लिया और अंततः कुलना को उन्होंने इतना भयानक आंदोलन किया कि रिपन को झुकना पड़ता है और इल्बर्ट बिल में संशोधन करना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इल्बर्ट बिल विवाद के कारण हिंदुस्तान के लोगों के मन में दो चीजें गईं कि अंग्रेज प्रजाति आधार पर भारतीयों से बहुत अधिक घृणा करते हैं क्योंकि वो हमारे मुकदमे सुनते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि हम उनके मुकदमे सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक हो जाते हैं। यानी भारत के लोगों को दो मैसेज इस इल्बर्ट बिल से जाता है, एक अंग्रेज प्रजाति आधार पर भारतीयों से बहुत अधिक घृणा करते हैं और दूसरा यदि हम लोग भी संगठित हो जाएं और आंदोलन करें किसी मुद्दे पर तो सरकार की नीतियों को हम भी प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं इल्बर्ट बिल विवाद ने भी हिंदुस्तान के लोगों को जगाने का काम किया है। इस प्रकार से मैंने आज जो मेरा टॉपिक है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारण, चाहे भारत की राजनीतिक एकता की बात हो, चाहे प्रशासनिक एकता की बात हो, चाहे पाश्चात्य विचारधारा की बात हो, चाहे आर्थिक शोषण की बात हो, चाहे आवागमन की बात हो, चाहे संचार सुविधाओं की बात हो, चाहे समाचार पत्रों की बात हो, चाहे राष्ट्रीय साहित्य की बात हो, चाहे धर्म सुधार आंदोलन की बात हो, चाहे कहीं ना कहीं लिटन की प्रतिगामी नीतियों की बात हो जिसे प्रतिक्रियावादी नीति कह सकते हैं और चाहे इल्बर्ट बिल विवाद हो, इन सभी के कारण हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि हमारी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब तक हम आपस में एक होंगे और इसी एकता की भावना ने या इन सभी कारणों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के उद्भव में एक बहुत बड़ा योगदान दिया और इसके लिए एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी जो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास देशपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में सामने आया। इस प्रकार से आज मेरा जो टॉपिक था वो मैं समाप्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को पूरी तरह से समझ आएगा। कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ना है तो संघर्ष करते रहो, कांटों में रहकर भी जरा समझिएगा, कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिलना सीखो, कांटों में रहकर भी गुलाब की तरह महकना सीखो। जो परिस्थितियों से घबरा जाते हैं वो लौह पुरुष नहीं, राख में रहकर भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।